साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भाई बहन शामिल हैं उनका भी, और जो पत्रकार बंधु शामिल हैं उनका भी, और दीपक ढोलकिया जी आ गए हैं, स्वागत है आपका। जी, इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, बाद में ये सर्कुलेट भी किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले बनारस से जुड़े हैं फादर आनंद। फादर आनंद थोड़े थोड़ी अपनी बात रखें, और जो अपने अनुभव हैं खास करके फैसल खान के साथ, और ये पूरी प्रेस वार्ता हमको 1 घंटे में इसको संपन्न करना है, तो उस हिसाब से सीमित समय में अपनी बात सब वक्ता रखेंगे, और अंत में कुछ सवाल जवाब के लिए भी समय होना चाहिए, या हमारे जो साथ में जुड़े हैं हो सकता है उनमें से कोई और भी बोलना चाहे। मैं देख रहा हूँ कि खुदाई खिदमतगार के कमर इंतखाब और दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं, तो पहले फादर आनंद से हम शुरू करेंगे। जी, सबको नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, मैं बहुत ही दुखित हूं और हमारे जितने भी साथी सामाजिक सरोकारों के लिए काम कर रहे हैं, समाज में एकता के लिए काम कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए, यह मानते हैं कि हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं यह गंगा जमुनी तहजीब है, और हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि ये कैसे कार्यकर्ता, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनकी इतनी अच्छी छवि है, प्रेम के संदेश को, मोहब्बत के पैगाम को देश भर में अपने साइकिल यात्रा, पद यात्रा, वाहन यात्रा के माध्यम से फैलाने वाले व्यक्ति हैं फैसल खान, उन्हें गिरफ्तार किया है बस इसीलिए कि उन्होंने मथुरा के नंद बाबा मंदिर में प्रार्थना की, और जिसे नमाज कहा जा रहा है, चाहे नमाज भी हो। मैंने कल आज में एक चैनल में इस चीज को देखा और वे लोग बराबर उसको काफी देर उसको टेलीकास्ट कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वो मंदिर का अहाता था, जरूर मंदिर का गर्भ नहीं, गर्भगृह नहीं था, मंदिर जहां पर पूजा होती है, जहां लोग आके खड़े रहते हैं, या वहां वो जगह नहीं था, बीच का आंगन था। और वो बार बार स्वयं यह कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे मंदिरों में जाता हूँ, हम लोग प्रेम का संदेश देने आए हैं और हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। और लेकिन वो इंटरव्यू बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, लेकिन उसमें जो कैप्शन सारा है कि उपद्रव फैलाने के लिए नमाज मुस्लिमों के द्वारा नमाज पढ़ी गई, लेकिन वो मुस्लिम कौन है? वो मात्र उसकी एक पहचान मुस्लिम है, वो एक गांधीवादी विचारधारा के हैं और इस कार्य को बराबर करते आ रहे हैं। मुरारी बापू के द्वारा उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार मिला है जिससे उन्होंने सद्भावना वाहन करके एक वाहन रखा है जिसके माध्यम से वो प्रचार प्रसार करते हैं, और वो सारी पहचान उनकी मिट गई, उसकी पहचान केवल मुस्लिम, केवल यहाँ तक कि आतंकवादी, और इसके पीछे कौन कौन सा एजेंडा है, कौन प्रोग्राम है, इस तरह की बहुत सारी बातें। इतनी सारी बातें क्यों होती है? आज मैं मजबूर हो गया। हम लोग उनके साथ भी काम किए हैं, हम लोग अलग से अपने से भी काम करते हैं, कितने बार मस्जिदों में गए हैं, प्रार्थना किए हैं, कितने बार मंदिर में हम खुद गए हैं। पिछले 2-3 साल से हम लोग बुद्ध से कबीर तक एक यात्रा निकाल रहे हैं, गोरखपुर इलाके में, लुम्बिनी से लेकर गोरखपुर, मगहर, ये सिद्धार्थ नगर, ये कुशीनगर, इस पूरे इलाके में। वो गुजरात के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर विनोद मल हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। कितने बार गुरुद्वारा में बैठ के हम लोगों ने गुरुवाणी के कार्यक्रम में भाग लिया, लंगर में भाग लिया। तो हम सबको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग आतंकवाद और ये
आपसी दुर्भावना बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं? नहीं, ये सारी चीजें मैं सोचता हूं। ये बनारस में हम देख रहे हैं संकट मोचन मंदिर में हर वर्ष संगीत का महोत्सव होता है, गुलाम अली जो पाकिस्तान के हैं वो बुलाए जाते हैं, रात भर वो गाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान बजाते थे शहनाई, और उस्ताद अमजद अली खान सरोद बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, विलायत खान सितार बजाते हैं मंदिर के अंदर, वहां ये सवाल नहीं उठाया गया। तो यहाँ एक मुस्लिम महिला है जिसका नाम है नाजनीन अंसारी, वो बुर्का पहन के, कुछ और लोगों भी बुर्का पहन के हनुमान जयंती के अवसर पर और अन्य कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह में मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं और उर्दू में राम नाम लिखते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। तो वहां ये सवाल नहीं उठता। अखबारों में बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि जन्माष्टमी के अवसर पर सद्भावना का, धार्मिक सद्भावना का कार्यक्रम। तो नीयत गड़बड़ है, जो मीडिया के लोग और जो राजनीतिक लोग, जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने गिरफ्तारी की है, वो एक प्रेम की बात को, आपसी मेलमिलाप और भाईचारे की बात को इतना ज्यादा तूल दे दिया, और प्रेम के बदले वो नफरत का उसका एक चादर उड़ा दिया। आपसी सद्भाव, गंगा जमुनी तहजीब जिसको हम लोग बहुत सम्मान से देखते हैं, उसके बदले सद्भावना के बदले दुर्भावना उसको कर रहे हैं। ये बिल्कुल इन तमाम मीडिया वालों की नीयत खराब है। चूंकि आज मैं तो सोचता हूं आज चुनाव है, पोलिंग है बिहार में, तो आइन मौके पर लोगों के अंदर डर पैदा करने का, दुर्भावना बढ़ाने का एक साजिश है ये, इस तरह के खबर को फैलाना, उसके में गलत शब्दों का उपयोग करना। और ये तो उत्तर प्रदेश में के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से एक खास विचारधारा जो कि बिल्कुल सांप्रदायिक विचारधारा है, जो समाज के हित में नहीं है, उस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यक्ति को उसका शिकार बना दिए हैं। जो व्यक्ति प्रेम की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, फैसल खान सब लोग जानते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा अनिश्चितता और दर्द और उत्कंठा पैदा कर देता है। और मैं सोचता हूँ माहौल ऐसा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। यहाँ के लोग इस सच्चाई को जानते हैं। चूंकि मीडिया जहां पर, जैसे मैंने पहले कहा, चैनल में जैसे ही उनके मुंह से अच्छी अच्छी बातें, प्रेम की बात सुना रहे हैं वे लोग अपने इंटरव्यू, वो अपने इंटरव्यू में, लेकिन कैप्शन आ रहा है समाज में तोड़फोड़ करने की बात, ये सब कैप्शन में दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल मतलब साजिश के तहत ये किया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूं, और हम फैसल खान के साथ हैं, और गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने का हमारा जो संकल्प है उसको मैं हम सभी दोहराते हैं। नमस्कार। संदीप जी, संदीप जी आप म्यूट पे, अनम्यूट कर ले। संदीप जी आप म्यूटेड है। हाँ ठीक है ठीक है। धन्यवाद प्रोफेसर आनंद। फैसल खान की तरह फादर आनंद ने भी अपनी सारी जिंदगी सांप्रदायिक सद्भावना और शांति के काम के लिए लगाई हुई है बनारस में, और अब हम सब में शायद सबसे वरिष्ठ जो इस काम में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन झोंका हुआ है एक तरीके से, अकेले खड़े होके पर्चे बांटते हैं और तमाम खतरा उठा के जो काम करते हैं। गुजरात भी जाके उन्होंने गोधरा और उसके बाद गुजरात की हिंसा के बाद वहां पे काम किया। प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी से मैं आग्रह करूंगा कि
कुछ ये जो फैजल खान के साथ हुआ है उस पर कुछ अपनी टिप्पणी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दो तीन बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि खुदाई खिदमतगार एक संगठन को रिवाइव किया जो संगठन ओरिजिनली खान अब्दुल गफार खान ने खड़ा किया था आजादी की लड़ाई के दौरान, और उसका असूल था कि कितनी भी हिंसा आपके प्रति हो लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना है। इस उसूल पर सेवा के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनानी है, इसी के लिए संगठन खड़ा किया था खान अब्दुल गफार खान ने। लेकिन आजादी के बाद वो पाकिस्तान, चूंकि वो पख्तूनिस्तान के थे और पख्तूनिस्तान पाकिस्तान में चला गया, तो वो तो हिंदुस्तान से दूर जुदा हो गए। बाद में उनका इंतकाल भी हो गया, तो फैसल ने हिंदुस्तान में उस तहरीर को शुरू करने के लिए गांधी स्मृति, जहां गांधी जी को गोली लगी थी, वहां पर इस तहरीर की शुरुआत की। तो ये तहरीक तो दरअसल हिंसा और घृणा मिटाने के लिए खड़ी की गई थी, और उन्होंने ज्यादातर नौजवानों को इसमें जोड़ लिया। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी हैं इसमें, इनके तमाम साथी हैं, और पूरे हिंदुस्तान में खासतौर से साउथ इंडिया में इनका नेटवर्क भी है। तो एक आउटलेट दिया इन्होंने घृणा के वातावरण में मोहब्बत का पैगाम फैलाने का। कई मौकों पे मैं भी इनके साथ टोलियों में कैराना गया, मेवात गया, तमाम जगहों पे घूमा। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में ठीक है भाई, हर मंदिर मस्जिद के अपने कुछ कुछ की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप मस्जिद में जाके पूजा नहीं करेंगे किसी मूर्ति की, या मंदिर में जाके मान लो आप कोई ऐसा ऑफेंसिव एक्ट नहीं करेंगे। तो उनकी मर्यादाओं के अंदर ये पुजारी और वहां के लोग तय करेंगे कि हमें इसमें इंक्लूजन किसने किस किस्म के लोगों का करना है। अब फैसल खान वहां गए तो थे वो 84 कोसी परिक्रमा के लिए, मथुरा और पूरा जो ब्रज है उस पूरे क्षेत्र की परिक्रमा, कोस माने करीब 2 मील होता है, तो करीब ये 200 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी परिक्रमा हो गई। तो 200 किलोमीटर की परिक्रमा कई दिनों में करने का इरादा था कि भी होगी, तो उसी दौरान वो एक नंद बाबा मंदिर में चले गए और वहां पे जाके उन्होंने जब बात की पुजारी से तो पुजारी खुश हो गए। इसी बीच में बात आई होगी कि मैं अब निकलता हूं मुझे नमाज अदा करनी, उन्होंने कहा यहीं पढ़ लो। हमारे हिंदुस्तान में तमाम मस्जिदों को मैं जानता हूँ, छोटी छोटी मस्जिदें, बड़ी मस्जिदों में तो नहीं होता वो, छोटी छोटी मस्जिदों में इतना खुलापन है कि आप जाके किसी कोने में अपनी पूजा भी कर लो। हाँ ठीक है, चिल्लाओ मत, अपने मन से भगवान को याद कर लो, अपना भजन गा लो दबी आवाज में, कम ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना करूं। बहुत होता है अभी लॉकडाउन के पीरियड में और बाढ़ के पीरियड में कई मस्जिदों ने हिंदुओं को जगा दी और उनकी जो त्योहार वगैरह पड़े उनको मनवाया। उसी तरीके से हिंदुस्तान के मंदिरों की रिवायत है, हमारे गांव में मंदिर है, उस मंदिर में शरद पूर्णिमा के दिन तमाम गांव के लोग जमा होते हैं और उसमें शेख अब्बास नंबर 1 होते थे, मेरे बाबा के दोस्त थे वो, और जब उनकी गजल होती थी सुदामा के ऊपर, अरे द्वारपाल कहो हरि से जाके, वो इतनी गजब की लोगों में भक्ति भावना और उनके अंदर उत्साह पैदा करती थी कि कई दिनों तक वो आवाज उनकी पूरे हिंदुस्तान इलाके के गांव में गूंजती थी। तो यह हिंदुस्तान की तो रिवायत है कि जितना बन सके धार्मिक परंपराओं का ख्याल करते हुए वहां पे हम दूसरे लोगों को अपने में समेट लें। वैसे भी हिंदू धर्म अकेले हिंदुओं का नहीं है, इस्लाम अकेले मुसलमानों का नहीं है, धार्मिक परंपराएं ठीक है, कुछ मुसलमान मानते हैं कुछ हिंदू मानते हैं, वो अपना माने, लेकिन धर्म का दायरा इससे बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, सूफीज्म के जरिए आया, तो लगभग 1/4 आबादी तो मुसलमान बन गई, लेकिन जो मुसलमान नहीं बने उन्होंने भी इस्लाम की तमाम बातों को स्वीकार किया। उसी तरीके से मुसलमानों ने, ज्यादातर तो मुसलमान हिंदुस्तान के ही कन्वर्टेड थे, तो उनको हिंदुस्तानी परंपराएं में रचे पचे थे, तो उन परंपराओं को उन्हें जिंदा रखा।
और धीरे धीरे नई नई परंपराओं का जब विकास हुआ तो बहुत सारी हिंदू परंपराओं को इस्लाम ने स्वीकार किया। लिहाजा हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा है कि हम भाईचारे को, मेल जोल को, मोहब्बत को वजन देते हैं। फैसल इसी काम के लिए लगे हैं। और जिस वक्त पूरी दुनिया में घृणा और घमंड का वातावरण है, साम्राज्यवादी दौर चल रहा है, इस प्रकार की हरकत कि एक आदमी को जो वहां के पुजारी की मर्जी के बगैर नहीं, पुजारी की उदारता की वजह से, उसके अपनेपन की वजह से, जिस शख्स ने वहां नमाज पढ़ ली तो उसने तो उस जगह पे कोई कब्जा नहीं जमाया, उसने ये अधिकार नहीं जमाया कि मैंने नमाज पढ़ ली तो मस्जिद होगी, कॉन्सिक्वेंटली यहां से मंदिर को उखाड़ दिया जाए, इस दुर्भावना से नहीं गया। अगर कोई इस दुर्भावना से जाता है मंदिर या मस्जिद तो वो पाप है। लेकिन इफ इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मोहब्बत, अगर ये अपनेपन का एहसास कराती है कोई चीज, तो उसका तो हमें वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, खासतौर से वहां के पुलिस ने जो उनके ऊपर ये कार्रवाई की, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस वक्त हमें अपने हिंदुस्तान में लोगों के दिमाग से नफरत का जहर निकालने की जरूरत है, सहनशीलता, सच्चाई पे निष्ठा ये फैलाने की जरूरत है, उस वक्त आपने एक इस शख्स को पकड़ लिया जिसकी पहचान ही हिंसा से होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार, खासतौर से मजिस्ट्रेट के सामने जब उनको पेश किया जाए तो मजिस्ट्रेट इस बात पे गौर करे कि उनकी बात को सुन ले, और अगर उनको लगे कि फैसल ने किसी दुर्भावना से ये काम नहीं किया बल्कि उनके दिमाग में हर मजहब बराबर है ये भावना है, और उसी को व्यक्त करने के लिए वहां के पुजारी की और जो मौजूद लोग रहे होंगे उनकी रजामंदी से, वहां तो किसी ने ऑफेंड महसूस नहीं किया, उनसे कहा नहीं कि भाई आप, वो तो फौरन उठ जाते हैं। फैसल खान उन लोगों में से है कि अगर उनके काम पे किसी को एतराज हो तो फौरन वहां से उठ जाएंगे। मैं कई बार उनको, एक बार दो बार आईआईटी में भी मैंने उनको बुलाया, हमने यहाँ पे अपना करते थे हम प्रोग्राम शांति पाठ वगैरह का, उसमें आए और उनकी तकरीरें, जब छोटी छोटी तकरीर होती थी दो दो मिनट की, उनकी दो दो मिनट की बातों के लोगों पे बड़ा अच्छा असर पड़ जाता था। तो तब से हमारे आईआईटी के साथी और मैं और हमारे तमाम और साथी फैसल को जानते हैं, उनकी रग रग से वाकिफ है कि उनके अंदर घृणा और भेदभाव नाम की चीज नहीं है। लिहाजा मेरी तो यूपी सरकार से ये अपील है कि वो इस कदम को वापस लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी। और जैसा उन्होंने कहा कि फैजल खान इस किस्म के व्यक्ति ही नहीं है जो किसी दुर्भावना से कोई काम करेंगे, और उन्होंने आपकी तो आपको सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कल अपने इंटरव्यू में कि अगर किसी की भावना को आहत पहुंची हो तो वो उसके लिए माफी, वो उन्होंने माफी मांगी है, मांग ली। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो अभी, हालांकि उनको न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, मेरी कोई आधा घंटा पहले उनके वकील से बात हुई मथुरा में, अभी तक वो लाए नहीं गए हैं, लेकिन जब वो लाए जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि न्यायाधीश महोदय सारी चीजों पे ठीक से विचार करके अपना कोई फैसला लेंगे और उनको वो जमानत दे देंगे। अब मैं चाहूंगा कि अयोध्या से युगल किशोर शास्त्री जी जुड़े हैं, इनके बारे में बता दूं कि अयोध्या में मंदिर के महंत हैं और इस मंदिर की जगह पे एक सर्वधर्म सद्भाव केंद्र बनाने की योजना है जिसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, और फैसल खान उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और इस मंदिर के अंदर वो कई बार नमाज पढ़े हैं। लेकिन शास्त्री जी क्या कहते हैं उनके मंदिर में नमाज पढ़ने के बारे में, आइए उन्हीं से सुने। शास्त्री जी नमस्ते। फैसल भाई के अभी एनडीटीवी के लोग आए थे तो हमने यही बात कहा था, और फिर कह रहा हूँ कि हमें फैसल भाई की गिरफ्तारी से बहुत कष्ट है
और मुझे लग रहा है कि वो साजिश शिकार बनाए जा रहे हैं। अब जो बिहार का चुनाव है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फैसल खान को वो सभी लोग जानते हैं कि वो सर्व धर्म सद्भाव के लोग हैं, कार्यकर्ता है, गांधीवादी कार्यकर्ता है, खान अब्दुल गफार खान के विचारों के अनुयायी है। खान अब्दुल गफार खान के जो संस्थापक वो थे, वो खुदाई खिदमतगार, उसी संस्था को इस समय चला रहे हैं और इसके माध्यम से हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो ईसाई हो, फैसल खान सबको भोजन देते आए हैं। कई भी यात्रा चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। सामाजिक कार्यकर्ता कोई किसी का होता नहीं है, वो तो केवल मानव होता है, किसी को नुकसान हुआ तो उसके साथ खड़ा हो जाता है, वो उसके सुख दुख में सहभागी बन जाता है। तो फैसल खान जो है वो एक अच्छे, हम महापुरुष कह सकते हैं, कुछ फैसल खान समान नहीं, महापुरुष है जो ऑल इंडिया स्तर में पाकिस्तान तक जाने जाते हैं। तो हम फैसल खान के ये भी चाहते हैं वो जैसे जैसे संदीप जी बताए हैं कि सर्वधर्म सद्भाव केंद्र हम लोगों ने बनाया है, जिसमें संदीप पांडे हैं, हम हैं, फैसल खान है, रेशमा प्रसाद जो अब राज्य मंत्री हो गई वो भी है, और हरिनारायण ठाकुर जो प्रिंसिपल है SMS कॉलेज के वो भी है। तो हम लोग अभी इतने लोग हैं अभी, जिसमें फैसल खान भी ट्रस्टी हैं, और इसके माध्यम से हम लोग एक लंगर भी चला रहे हैं, लंगर के जिसके जो है देख रेख दानिश अहमद कर रहे हैं। तो फैसल खान भी इसे सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, मंदिर निर्माण के लिए, सर्वधर्म सद्भाव केंद्र के लिए निर्माण के लिए वो हमेशा जी जान से, जैसे संदीप जी बताए कि जी जान से जुटेंगे वो, और लॉकडाउन के कारण थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो मंदिर वो हमेशा वो आते रहते हैं, हमारे पुराने साथी हैं, हमेशा आते रहते हैं, और जैसे रोजा है अवतार कराते हैं हम लोग, ईद मिलन भी कराते हैं, वहाँ आकर के आते हैं, ईद मिलन में भी शरीक होते हैं, वो रोजा में भी शरीक होते हैं, और यहाँ नमाज भी पढ़ते हैं। हम लोग जो है केवल बूथ ये जो मंदिर है उसको बंद कर देते हैं, के बाद सभी लोग नमाज पढ़ते हैं मुसलमान यहाँ अयोध्या फैजाबाद के। तो अयोध्या जो है हम जैसे हम लोग एक एक, एक हम लोग समझाने का प्रयास किया लोगों का कि अयोध्या साजी विरासत की नगरी है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ के मजबूत है, और वास्तव में ऐसे कामों से गंगा जमुनी तहजीब जो है मजबूत होता है, साजी विरासत मजबूत होता है। तो फैसल खान जो यहाँ नंद बाबा के मंदिर में गए थे, तो सबसे पहली बात यह है कि नंद बाबा के मंदिर में जाने से पहले वो पुजारी के साथ भोजन भी किए थे, उनका प्रसाद भी लिए थे, उसके पहले वो परिक्रमा करके आए थे, और एक इनका तकिया कलाम है, एक अच्छा है उनका कि श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जो है फैसल खान के एक असली जो रामचरितमानस की चौपाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा रटते रहते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, और हिंदू के रीति रिवाज को भी अनुसार वो हमें तरजीह देते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि फैसल खान के साथ जो भी किया गया है वो बहुत बुरा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि ईश्वर जो है जब एक है तो यहाँ ईश्वर एक है, चाहे यहाँ अयोध्या में देखिए, अयोध्या में यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सूफी दरगाह भी है, और उसके बाद गुरु तेग सत्संग गुरु सिखों के सत्संग गुरु तेग बहादुर के यहाँ स्थान गुरुद्वारा भी है। तो ये ऋषभ देव जो पंचम ऋषभ देव थे जैनियों के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, वो जैनियों के तीर्थंकर थे, वो अयोध्या में ही पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अयोध्या जो है सभी धर्मों की नगरी है, सभी पंथों की नगरी है, सभी उपंथों की नगरी है, और फैसल खान का विचार जो है उसी से मिलता जुलता है, उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा, और कभी कभी हमसे तकरार भी हो जाती, क्योंकि हमारे साथी है इसलिए तकरार भी हो जाती थी। तो हम कहते थे कि हम तो नास्तिक है, वो कहा कि हम नास्तिक नहीं है, हम तो हिंदू को भी मुसलमान को भी सिख को भी ईसाई को भी सबको सम्मान देते हैं। तो हमें हमारी कभी कभी तकरार होती थी,
और चूंकि इसलिए तकरार है, ऐसा नहीं कि दुश्मनी हम लोग की, हम तो साथी है, साथी होने के नाते सब तकरार होती रहती थी, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि फैसल खान ऐसे व्यक्ति जो मानवतावादी है उनके बारे में जो प्रचार किया जा रहा है बिहार के चुनाव के नजरिए से नजर में रख करके, तो इसको कोई सभी लोग समझते हैं। और फैसल खान के पर जो मुकदमा है 153A, जैसे संदीप पांडे से हमने कल पूछा तो कहा कि 153A है, 205 है IPC के तहत, तो 153A जो दंगा भड़का दिया जाए तो ना होता है, तो हम हमारे ऊपर भी 2005 में 153A के अंतर्गत हम जेल में थे, लखनऊ जेल में थे, तो 153A जब है तब होता है जब दंगा भड़का दिया जाए, जब दंगा भड़का ही नहीं तीसरे दिन जो उसको गिरफ्तार किया गया, तो ये जो है 153A बनता ही नहीं है, पूरी तरह से ये सरकार प्रायोजित है। और मुझे लग रहा है कि उनसे मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए, पूरी तरह से वापस लेकर के उनको जो है फ्री हो करके सामाजिक काम वो करता रहे, सामाजिक काम से तनाव नहीं बढ़ता है, राग द्वेष नहीं बढ़ता है, नफरत नहीं बढ़ता है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, और फैसल खान इसके लिए कटिबद्ध हैं, वो दिन रात यही करते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद जब तक जीवन उनका रहेगा तब तक यही करते रहेंगे, तो हम सबको नमस्ते करते हुए हम चाहते हैं कि फैसल खान के प्रति सरकार हमदर्दी दिखावे, और हमदर्दी क्या उनका मुकदमा ही वापस लिया जाए, और मुकदमा गलत है, पूरी तरह से गलत है। जो ऐसे सामाजिक का जो कार्यकर्ता होता है उसके लिए कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन जाति, कौन ईसाई, कौन सिख, कोई सिख नहीं होता, सब मानवतावादी, सब मानव सामाजिक कार्यकर्ता मानवतावादी होते हैं, पूरे मनुष्य के लिए काम करते हैं। संजीव है, ये जो फैसल खान है वो सबके लिए काम कर रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सबके लिए काम करते हैं। तो हमें आग्रह हम सरकार से ये करते हैं कि उनका पर जो मुकदमा है 153A 205 IPC के तहत जो लगाया गया है, अजीब मुकदमा जो लगाया गया है, सबको उठा लिया जाए और उनको जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दिया जाए कि वो पूरे देश में घूम घूम करके साझी विरासत को मजबूत करने के लिए काम करे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी शास्त्री जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वो नास्तिक है। अब बताइए, हिंदू धर्म में तो इसकी भी गुंजाइश है कि एक मंदिर का महंत नास्तिक हो सकता है, और वो राम जानकी मंदिर के महंत है, और उनके मंदिर में फैसल खान आते हैं, बौद्ध लोग आते हैं, और दलित लोग आते हैं, और कोई पाबंदी नहीं है, सब वहां पे आके वहां आराम से बैठ के कोई भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, भोजन करते हैं, इनके यहाँ लंगर चलता है जिसकी लंगर समिति के अध्यक्ष दानिश अहमद है फैजाबाद के। तो धर्म का तो यही संदेश है कि सब लोग मिलजुल के रहें, और हमारे शास्त्री जी जैसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए जो नास्तिक हैं, तो जो धर्म को मानने वाले लोग हैं अगर वो इस बात को मानते हैं कि ईश्वर एक है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आप मंदिर में नमाज अदा नहीं कर सकते, और किसी किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई किसी दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं आ सकता। इसका मतलब तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह अलग है, भगवान अलग है। तो ये जो बांटने वाली जो राजनीति है, ये असल में इसके शिकार हो गए हैं फैजल खान, और जो वो काम कर रहे हैं या जो शास्त्री जी जो काम कर रहे हैं अयोध्या में बैठ के, वो सबको जोड़ने का काम है, और वो असली धर्म का काम है। बॉबी, अब आप वो रिकॉर्डिंग चलाएंगे सुनीता विश्वनाथ की। My name is Sunita Vishwanath, and I am with Hindus for Human Rights, a United States-based nonprofit organization. We in Hindus for Human Rights are appalled that our brother and a member of our advisory board, Faisal Khan, and three other members of his organization, Khudai Khidmatgar, were arrested for praying in a Hindu temple in Mathura. We call for Faisal Bhai's immediate release along with his associates because these men committed no crime. The Uttar Pradesh Cabinet Minister Srikant Sharma told reporters that, and I quote, legal action will be taken against the culprits who are trying to create disharmony in the society. We have been following the recent travels of Faisal Bhai and other members of Khudai Khidmatgar during their yatra for communal harmony in Brij, a place of pilgrimage for Krishna devotees.
Their only message is peace and harmony across religious lines. We shared photos from this yatra in our October newsletter just a few days ago, showing Faisal Bhai and his fellow Khudai Khidmatgar members in Krishna temples, along with Hindu priests and swamis. We have also followed the activities of Khudai Khidmatgar over the last year, engaged in selfless and unrelenting COVID relief to the poor of all religions throughout the country. Khudai Khidmatgar means servants of God and is a movement that was started in 1929 by the great frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, or Badshah Khan. Badshah Khan was a freedom fighter and a non-violent resistor who insisted on and exemplified Hindu-Muslim unity. Faisal Khan is our modern-day frontier Gandhi, continuing the legacy of Badshah Khan tirelessly and for no pay. When we asked him recently about his concern for Indian democracy, he answered, "Of course, I am very concerned about the state of the Indian democracy. It is a challenging time, I don't deny that, a dark time. Some people think I am mad, but I maintain that the only way we will bring light to this darkness is with even more truth and love. Khudai Khidmatgar is doing it, but we need to do more. We must take from Gandhi's example and Badshah Khan's example and go among the people with love and humanity. And the most important thing is to work with both Muslim and Hindu youth." Faisal Khan was arrested for doing namaz, which is Muslim prayers, in a Hindu temple in Mathura. We have been receiving messages on a daily basis from Faisal Bhai as he and his colleagues travel through India with their message of peace and unity. Indeed, today we received 3 photographs of Faisal Bhai and other Khudai Khidmatgar members doing namaz in the Hindu temple. The three photos came with a message in Hindi, which we translated as such. On the last day of Brij Yatra, an 84-kilometer yatra to spread the Gandhian message of Sarva Dharma Sambhav, the possibility of communal harmony and religious tolerance, we were at Nand Baba Temple, the most prominent temple of the village, when it was time for namaz or prayer. We wanted to go out of the temple to do namaz, but the main pujari told us that since we were in the place where people sing bhajans, it was okay to do our namaz here. With the permission of the main pujari, we offered namaz in the temple. We at Hindus for Human Rights stand by our brother, friend, and advisory board member Faisal Khan and his associates. We believe they did no wrong, no crime, by praying to God in a Hindu temple. The story of Hiranyakashipu and Prahlad is one of countless stories in Hinduism that teach us that God is not contained in a temple, but is in every atom of the universe. Our ancient Rig Veda states, "Ekam Satvipra Bahuda Vadanti," which means that truth is one, though it may be called by different names. Our most ancient scriptures guide us to see the same truth in all faiths and paths. This was a temple to Lord Krishna, who himself states to Arjuna in the Bhagavad Gita, "If anyone offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it." And also, "Everything lies in me and in everyone. It's me behind every action." Lord Krishna does not see any difference between us all, between people of different races, religions, genders. So why should we who worship Lord Krishna see such differences? Finally, the text we received from Faisal Bhai before he was arrested made it clear that he had taken permission from the main pujari in the mandir before praying. As Hindus, we see nothing wrong in anyone offering prayers at a Hindu temple. Placing such boundaries and criminalizing the beautiful prayers of someone who's devoted his life to peace and communal harmony does a grave disservice to the legacy of great leaders
like Mahatma Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan, as well as to the incredibly inclusive teachings of Hindu scripture like the Rig Veda and the Bhagavad Gita. For the sake of our nation, as well as the values of shanti, peace, ahimsa, nonviolence, and ekatvam, the oneness of all, at the heart of our Hindu faith, we ask, we plead that our brother Faisal Khan and his associates be released immediately. Namaste. सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद. हालांकि ये रिकॉर्डेड मैसेज था. अच्छा शास्त्री जी, जरा अपना ये ऑफ कर लीजिए माइक, क्योंकि कुछ आवाज आ रही है आपके यहाँ से. माइक ऑफ कर लीजिए. अब हमारे साथ मेधा पाटकर जी जुड़ गई हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेधा पाटकर जी भी जरा फैजल भाई के समर्थन में अपना वक्तव्य रखें. मैं थोड़ी अंतर्गत जगह हूँ तो इसलिए सुनाई दे रहा है क्या? हाँ आ रहा है. शास्त्र, हाँ चलिए अब आप बोलिए. बहुत ही धक्कादायक बात है कि फैजल खान जैसे सर्वधर्म समभाव के प्रति कायमी रूप से समर्पित व्यक्ति को इसी धर्म की बेइज्जती या अवमानना करने के नाम पर गिरफ्तार किया जाता है और आरोपित किया जाता है. फैजल खान जी तो बिल्कुल ही इस मुद्दे पर समर्पित होते हुए हर जगह जहां धर्म भेद के वहां वो पहुंच जाते थे और हर बार वो शांति और प्यार का मोहब्बत का ही संदेश देते रहे. वे और उनके साथी सभी जो खुदाई खिदमतगार के सहयोगी रहे हैं और उनके द्वारा हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़े रहे हैं, उन्होंने लॉकडाउन के समय हो या किसी जातीय दंगे के समय हो एक बहुत ही शांति और भाईचारे का काम किया. और ऐसी यात्रा जो उन्होंने अभी निकाली थी, उस यात्रा के दौरान उनको हर धर्म के धर्मगुरु मिले, साधु संत भी मिले, मौलवी मौलाना भी मिले, जिन्होंने गंगा यमुना तहजीब जो हिंदुस्तान के नींव में बनी हुई है उसको ही आगे बढ़ाने में उन्हें समर्थन दिया. और इसीलिए इस यात्रा में भी जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने यही काम किया और कई सारे मंदिरों में उनका स्वागत किया गया. और इसीलिए उनकी वो छोटी सी वास्तविक हकीकत किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के पक्ष नहीं थी, उल्टी वो सर्वधर्म समभाव की प्रतीक रही है. मंदिर के प्रांगण में उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मंजूरी दी गई और फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई, यही मैं सुनती रही हूँ. और इसीलिए उन पर शासन जो आरोप लगा रही है वो शासन की अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रतीक है. और उत्तर प्रदेश में तो ये चल ही रहा है, वो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में गैर बराबरी और भेदभाव और नफरत बनी रहे. ऐसा सोचने वालों ने ही ये कार्यवाही की है ऐसा मुझे लगता है. उन्हें और उनके तमाम साथियों ने हमारे साथ कई सारी जगह पर पहुंचना किया, कई सारे अन्यायों के खिलाफत की, महिलाओं पर अत्याचार हो या जाति और मजहब के नाम पर अन्याय हो, वे हरदम सीना तान कर हिम्मत के साथ खड़े रहे और कहीं भी उन्होंने हिंसा का पक्ष नहीं लिया, कहीं भी धर्मांध या जातिता का पक्ष नहीं लिया. थी उनके बातों में, उनके लफ्जों में हर जगह फैजल खान जो संदेश देते हैं वह बहुत ही प्यार का और मोहब्बत का और शांति का संदेश देते रहे. इसलिए जो संदेश अभी की कार्यवाही से यूपी सरकार देना चाहती है वही संदेश नफरत का है और वो पुलिस और प्रशासन
क्षत्रिया करे। संदीप भाई मैं रुक रही हूँ। अच्छा ठीक है हाँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। पहले ठीक आ रही थी पर अभी पता नहीं क्यों थोड़ा सा उसमें रुकावट आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि हाँ कि बॉबी भाई अब जो मातृ सदन से वीडियो आया है, आपको बता दें कि फैजल खान का जुड़ाव कई धार्मिक संस्थानों से था, जिसमें एक तो शास्त्री जी का मंदिर है अयोध्या का, और दूसरा मातृ सदन हरिद्वार में, जहां प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने गंगा को बचाने के लिए अनशन करके जान दी अपनी, और वहां 63 से ज्यादा अनशन अभी तक हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जब अनशन पे बैठे थे तो फैसल खान भी उस यात्रा का हिस्सा थे, पद यात्रा का, जो दिल्ली से हरिद्वार ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के समर्थन में गई थी। वहां से एक वीडियो आया है, हम उसको देखेंगे। और आपको ये बता दें प्रेस के साथियों को कि हमारी अंग्रेजी और हिंदी दोनों की प्रेस विज्ञप्ति तैयार है, जो इस प्रेस वार्ता के दौरान ही पत्रकार साथियों को भेजी गई है। अगर किसी को ना मिली हो तो कृपया अपना ईमेल आईडी इस चैट बॉक्स में डाल दें, तो हम आपको वो प्रेस रिलीज भेज देंगे। अब मातृ सदन का वीडियो हम देखते हैं। आजकल बड़ी विडंबना की बात हो रही है, पता नहीं हमारा जो उदात्त सनातन धर्म था वो किस हो जा रहा है। कुछ फंडामेंटलिस्ट ऐसे हो गए हैं जो जो जिसका हृदय उदार है उसे भी संकीर्णता में घेरने की चेष्टा करते हैं। फैजल खान साहब को हम जानते हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, वो गंगा के प्रति समर्पण है, हिंदू देवी देवताओं के प्रति समर्पण है उनका, और अपने धर्म में भी आस्था है। ये कौन सी गुनाह है? जो व्यक्ति 84 कोस की परिक्रमा करता है, सब देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के दर्शन करता है, उनका प्रसाद खाता है, और वह यदि पवित्र जगह है, उसी ईश्वर का रूप जो खुदा है अल्लाह है उसकी इबादत करता है, तो कौन सा गुनाह हो गया? और वह मैं इनका बयान सुना हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि हमने परमिशन लिया है, और यदि ये बात परमिशन लेकर किए हैं और यदि वहाँ के पुजारी ये झूठ बोलते हैं तो कृष्ण को कितना अपमानित करते हैं, इस बात को कोई नहीं देख रहा है। हिंदू धर्म सत्य पर है, कृष्ण सत्य के लिए आए हैं, यही कारण है कि जब पांडव और कौरव में युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने पांडव का साथ दिया, क्योंकि पांडव सत्य में था। अब तो ये FIR तो तुरंत निरस्त होनी चाहिए, और इस बात की जाँच होनी चाहिए क्या उन्होंने परमिशन लिया है या नहीं लिया है। यदि परमिशन नहीं भी लिए हैं तो भी किसी पवित्र जगह पर किसी सुप्रीम लॉर्ड की आराधना करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन परमिशन लेना उचित था और वो परमिशन लिए हैं। हाँ, यदि परमिशन नहीं लिए होते तो उनको कह दिया जाता कि आपने गलत किया, वो स्वीकार कर लेते। लेकिन इस तरह का हिंदू धर्म को एक अज्ञानता में ढकेल देना, और इस ढंग के अज्ञानता में ढकेल देना, तो बहुत से लोग हमने तो कृष्ण भक्त ऐसे को देखा जो काली का प्रसाद तक नहीं खाते। तो इस ढंग से ये लोग संकीर्णता, एक समय ऐसा था कि जो कुंभ में बैराग्य और सन्यासियों में मार काट का झगड़ा होता था, या इन्हीं संकीर्णता का द्योतक है इन लोगों का, जो हमारी वैदिक संस्कृति को एक ऐसी जगह ले जाके घसीट रहे हैं, और जो व्यक्ति इस ढंग का कर रहे हैं वह धर्म का लेस मात्र पालन अपने जीवन में नहीं करते। तो इस बात का ध्यान दिया जाए, हम योगी से अनुरोध करते हैं, कृपया आप योगी हैं, आप जिस संप्रदाय के, वह महान संप्रदाय है, और ऐसे व्यक्ति को जो फंडामेंटलिस्ट है उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो गंगा के प्रति समर्पित हैं, प्रत्येक धर्म के प्रति समर्पित हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति को इस ढंग से प्रताड़ना करना ही गुनाह है। वो किसी कोर्ट में यदि मजिस्ट्रेट साहब ध्यान से देखेंगे, यह केस एक सेकंड चलने लायक नहीं।
देखिए कितनी अच्छी बात स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कही, जो मातृ सदन के प्रमुख हैं और कई अनशन कर चुके हैं गंगा को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसी आ गई है जो उदार सोच वाला जो व्यक्ति है उसको भी संकीर्णता में ढकेल रही है। तो ये समय अब हमारा पूरा हो रहा है। एक वीडियो और है, लेकिन हम अगर कोई सवाल होगा तो उसे अभी लेना चाहेंगे, क्योंकि मेधा जी मौजूद हैं। अगर कोई भी पत्रकार साथी कोई सवाल पूछना चाहे तो आपके लिए मौका है, या हमारे और भी जो साथी जुड़े हुए हैं उनमें से अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो वो भी बात रख सकते हैं। और फिर हमारे पास समय बचेगा तो हम दीपक गुप्ता जी का वीडियो भी दिखा सकते हैं। कोई साथी बोलना चाहेंगे? कोई सवाल नहीं? ठीक है, तो प्रेस रिलीज इंग्लिश में चाहिए ये आ रहा है, लेकिन आपका ईमेल आईडी जरूर भेज दीजिए तो हम आपको बिल्कुल अभी तुरंत भेज देंगे। और अब अगर कोई सवाल नहीं है, किसी को और कोई बात नहीं कहनी है, तो मैं चाहूंगा कि बॉबी दीपक गुप्ता का जो वीडियो है उसको भी आप हिंदी में चला दीजिए, जो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था के लिए काम करता हूं। हमारे साथी फैजल खान भाई की गिरफ्तारी पर हमें बहुत आश्चर्य है और हम उनके मथुरा के मंदिर में गिरफ्तार किए जाने पर बहुत खौफजदा और गुस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा रिपोर्टरों से बोलते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो समाज में कटुता फैला रहे। हम फैजल भाई की यात्रा को खुदाई खिदमतगार को बहुत लंबे समय से साथ में उनके जुड़े हुए, इस पूरी यात्रा में वो एक कृष्ण के मंदिर में एक भक्त की तरह गए और सभी तरफ धर्म की दीवारों को पार करके शांति और प्रेम का संदेश उन्होंने दिया। हम खुदाई खिदमतगार के साथ पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके निस्वार्थ काम इस COVID-19 के दौर में उन्होंने समाज के सभी धर्मों के लोगों की मदद की। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है खुदा के बंदे, खुदा के नौकर। ये मूवमेंट 1929 में महान फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान ने शुरू किया और वह गांधी जी की प्रेरणा से शुरू किया था। फैजल भाई हमारे समय के फ्रंटियर गांधी हैं, हमारे समय के खान अब्दुल गफ्फार खान। हमने उनसे भी तात्कालिक रूप से फैजल भाई से बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि हमारे लोकतंत्र की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो उन्होंने ये माना था कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण थोड़ा समय है, एक वास्तव में ये बहुत अंधेरा समय है। और दुर्भाग्य ये है कि आज इस अंधेरे समय में महात्मा गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान के रास्ते पर चलने वाले हमारे फैजल भाई को इस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, और वो भी इसलिए कि एक हिंदू मंदिर के अंदर मथुरा में उन्होंने नमाज पढ़ी और उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि नमाज पढ़ के उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को भंग किया। जो व्यक्ति अपना सारा जीवन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करता रहा उस व्यक्ति पर ये आरोप लगाना न केवल हास्यास्पद है बल्कि मूर्खतापूर्ण। और उस मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए हमारे फैजल खान भाई ने वहां के मंदिर के पुजारी से बकायदा अनुमति ली, उनकी अनुमति और सहमति के बाद ही ऐसा किया गया, उसके बाद भी उन पर ये आरोप लगा। मैं एक हिंदू हूं और मुझे शर्म आती है ये सुन करके कि एक मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का अपमान होता है। कितने आश्चर्य की बात है, हिंदू धर्म के इतिहास में ऐसी अनेकों कहानियां हैं जहां पर हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कहानी हमें ये बताती है कि ईश्वर का वास सभी जगह है, सभी प्राणियों में। ऋग्वेद सदा से ये कहता है एकम सर्वे प्रा बहुधा वदन्ति, यानी एक ही सत्य को लोग
अनेकों अनेक तरीकों से कहते हैं। ये तो भगवान कृष्ण का मंदिर था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे पत्र पुष्प फल कुछ भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे मन से स्वीकार करता हूं। ऐसे भगवान कृष्ण के मंदिर का फैजल खान जैसे सच्चे भक्त से अनादर हो सकता है? ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। नहीं लगता हमें कि हम कहां जा रहे हैं। एक हिंदू के तौर पर एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के साथ साथ अगर कोई मुसलमान भाई ने मंदिर में नमाज पढ़ी, उससे मंदिर का अपमान हो ही नहीं सकता। उनको गिरफ्तार करना महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान की परंपरा का मजाक उड़ाना है। इसलिए हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था की ओर से हम ये निवेदन करते हैं कि शांति, अहिंसा और एकता की बात करने वाले फैजल भाई और हमारा हिंदू धर्म दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए उन्हें तत्काल बिना शर्त, बिना गलती के रिहा किया जाए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। अब समय खत्म हो रहा है, 2 मिनट है। अगर कोई और साथी जो जुड़े हैं अगर अपनी बात रखना चाहें तो आपके लिए मौका है, और नहीं तो फिर हम इसको संपन्न करेंगे। आप में से कोई भी बोलना चाहे तो ठीक है। तो हो सकता है कि फैजल भाई को जल्दी जमानत ना मिले। जो इस समय का हाल है वो हम सब लोग देख ही रहे हैं। ये सरकार एक ऐसी आ गई है, खास करके उत्तर प्रदेश में, जो हर एक चीज में साजिश देखती है, और इसलिए देखती है क्योंकि इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने खिलाफ जो मुकदमे थे, जिसमें हत्या के प्रयास का भी एक मुकदमा है, और खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो दंगा भड़काने का मुकदमा था, वो सब मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार वापस ले लेती है। और जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत की थी उत्तेजनापूर्ण भाषण देने की धारा के तहत, उकसाने वाली जो धारा है उसके तहत जो मुकदमा हुआ था, उस व्यक्ति पे सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा के और उसको न्यायालय से सजा दिलवा दी गई, परवेज परवास। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार किस तरह की है, जो अपने सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ मुकदमा करके उनको जेल में डालने में विश्वास करती है, जो अपने सारे जिनको वो अपना विरोधी मानती है, जिनको वो अपराधी बताती है, उनका एनकाउंटर में वो उनकी हत्या करवाती है। और हमारे योगी साहब कहते हैं कि अपराधियों को हम ठोक देंगे। अभी उन्होंने 2 दिन पहले ये भी कहा है कि अगर शादी करने के लिए कोई अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो उसकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। तो मेरा कहना है योगी जी हेमा मालिनी से शुरू करें, जो मथुरा की सांसद भी हैं, क्योंकि हेमा मालिनी ने अपनी शादी करने के लिए धर्मेंद्र के साथ धर्म परिवर्तन किया था, दोनों लोगों ने। तो ये तो सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आपने धर्म का इस्तेमाल किया, धर्म परिवर्तन का इस्तेमाल किया शादी करने के लिए। तो जिस बात के योगी खिलाफ हैं वो उनकी पार्टी की ही एक सांसद ने किया है, तो वहीं से शुरू करें अपना अभियान। हम उनको चुनौती देते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसको करके दिखाइए। आपने कहा है कि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे उनकी तस्वीरें चौराहे पे लगेंगी, तो आप हाथरस के आरोपियों की तस्वीरें आप चौराहों पे क्यों नहीं लगाते? जैसे आपने CA NRC के खिलाफ आंदोलन में जिन लोगों को आपने आरोपी बनाया, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे किए, उनकी तस्वीरें आपने चौराहों पे लगाई, तो आप समझ सकते हैं कि किस किस्म की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। और कल शाम से मैंने समय मांगा हुआ है योगी आदित्यनाथ का, इस प्रदेश के DGP का और गृह विभाग के विशेष सचिव का, लेकिन किसी के पास से कोई संदेश नहीं आ रहा है। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है फैजल भाई को जल्दी कोई जमानत ना मिले और ये लड़ाई शायद हमको लंबी लड़नी पड़ेगी। तो इसी तैयारी के साथ हम सब विदा लेंगे, और हो सकता है कि हमको फिर
जुटना पड़े, ऑनलाइन भी जुटना पड़ेगा और हो सकता है कि धरना प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे इस मुद्दे को लेके, क्योंकि ये जो किया है उन्होंने, ये जैसा स्वामी शिवानंद सरस्वती कह रहे हैं कि पहले तो आप लोगों को अपराधी और जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनको, उनके खिलाफ आप कार्रवाइयां कर रहे थे, अब तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां आपने शुरू कर दी हैं जो समाज में अशांति और सद्भावना का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप जेल में डाल देंगे तो समाज तो और अराजकता की तरफ जाएगा। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है और ये बहुत शर्म की बात है। इसलिए अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उसका हम सब लोग डट के मुकाबला करेंगे और उसका हम लोग आपको सड़क पे उतर के उस बात का जवाब देंगे जो आप कर रहे हैं। तो मैं इस प्रेस वार्ता को यहीं पे अब संपन्न करूंगा क्योंकि समय हो गया है, और आपको जिन साथियों ने अपने ईमेल आईडी दे दिए हैं उनको प्रेस रिलीज भेज दी जाएगी और आगे की सूचना भी हम ईमेल के माध्यम से सबको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।